भारत देश में गाय को गोमाता के रूप में पूजा जाता है, पर मंदसौर जिले के बैसोदा गांव में हो रहा अवैध खनन गोमाता के लिए काल का गास साबित हो रहा। भोर सुबह के घोर अंधेरे में बॉर्डर पार राजस्थान के कुछ अल्लू चल्लू रेत के सौदागर आते हैं और अल सुबह तक मिट्टी खोदकर रेत की ट्रालियां भरकर ले जाते हैं और बदले में छोड़ जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ गौमाता के लिए गहरे गड्ढे, जिसमें भोली भाली गौमाता गिर भी जाए तो निकलने के लिए तड़पती ही रहती है। इस बीच गोरक्षा समिति को सूचना मिल जाए तो गौमाता को बाहर निकाल लिया जाता है, नहीं तो गड्ढे से बाहर आने की जद्दोजहद में ही तड़प तड़प कर जान गंवानी पड़ती है गाय हमारी माता है कहने वाले देश की गौमाता को। बता दें कि बैसोदा में इन दिनों मिट्टी खोद पीला सोना बनाने का गोरख धंधा जमकर फल फूल रहा है। शर्मनाक तो यह है कि रेत के सौदागर गोचर भूमि को खोद खोद कर गौमाता की मृत्यु शैया बनाने का पूरा बंदोबस्त कर चुके हैं। बीते दिनों कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कई गौमाता की जान गंवाने का मुख्य कारण अवैध खनन के गहरे गड्ढे माने जा रहे। सूत्र बताते हैं कि इन अवैध खननकर्ताओं को किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि का पूरा संरक्षण है। अब ये देखने वाली बात होगी कि गाय को गौमाता के रूप में पूजने वाले जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान देते हैं या नहीं। बैसोदा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, कपिल चौहान। झादरापाटन की कच्ची बस्ती ट्रांसपोर्ट नगर के रहने वाले एक युवक ने कर्जदारों से परेशान होकर चूहे मारने की दवा खाकर जान देने की कोशिश की। युवक को परिजनों ने उपचार के लिए झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में भर्ती लियाकत ने बताया कि उसने करीब 1.5 साल पहले 5 लाख का कर्जा लेकर फ्रूट का धंधा शुरू किया था। धंधे में नुकसान हो गया और बाद में उसे धंधा बंद करना पड़ा। धंधा बंद हो जाने के बाद वह कर्जदारों के ब्याज का पैसा भी नहीं चुका पा रहा, इसलिए अब रोजाना उसके घर पर कर्जदार पैसा मांगने आते हैं, गाली गलौज कर धमकियां देकर जाते हैं। इसी से परेशान होकर उसने चूहे मारने की दवा का सेवन कर लिया। फ्रूट का धंधा बंद हो जाने के बाद लियाकत ऑटो चलाकर और उसकी पत्नी रानी इंदिरा रसोई योजना में खाना बनाकर पैसे चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों की कमाई से मूल तो दूर, ब्याज का 20-25 हजार रुपये महीना भी नहीं निकल पाता। साथ ही लियाकत को अपने 5 सदस्यों के परिवार का पेट भी भरना पड़ता है। लियाकत के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा उसकी बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे भी हैं। उधर इस मामले में झालरापाटन थाना अधिकारी चंद्र ज्योति शर्मा ने बताया कि हम हॉस्पिटल में भर्ती लियाकत के बयान करवा रहे हैं, बयान में जो भी स्थिति सामने आएगी आवश्यक कार्रवाई होगी। झालरापाटन से एसके मीडिया के लिए फिरोज पठान। भस्मी रमैया मंडल के आकर्षक प्रदर्शन व बैंड बाजों के साथ महादेव की भव्य शंकर सवारी श्रावण के चौथे सोमवार में निकाली गई। नर्मदेश्वर महादेव नीचे मंडी से महादेव का अभिषेक आरती कर शंकर सवारी की शुरुआत हुई। नगर भ्रमण के दौरान भोलेनाथ की कई जगह आरती कर महाप्रसादी का वितरण हुआ। नगर के चौराहा झंडा चौक पर डॉक्टर राजकुमार बाघेला, रमेश चंद्र दायमा, करण सिंह परमार, प्रदीप डोसी, राजू पासी, अशोक गायरी ने आरती की। उसके बाद कुंडला रोड पर हेमराज कालरा ने आरती कर फरियाली खिचड़ी की प्रसादी वितरित की। वनेश्वर महादेव रामदेव चौक पर भक्तजनों ने आरती कर महाप्रसादी दलीप जैन द्वारा वितरित की गई। कोलवी रोड चौराहे पर रिटायर्ड कानूनगो ओम प्रकाश निगम, विष्णु तरवारिया, मनोज मोदी, सोनू दुबे, प्रकाश जांगिड़ सहित सैकड़ों महिला पुरुषों ने 108 दीपक से महाआरती कर विखीर प्रसादी वितरण की। इस दौरान युवाओं का उत्साह चरम पर था और हर हर महादेव बम बम भोले के गगनभेदी उद्घोष से माहौल गूंज उठा। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने तहसील अध्यक्ष ईश्वर सिंह के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी गंगधार को किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के पूर्व भारतीय किसान संघ की बैठक कृषि उपज मंडी में तहसील अध्यक्ष ईश्वर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक कर रैली के रूप में उपखंड अधिकारी गंगधार कार्यालय पहुंचकर किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने में क्षेत्र में अधिकतर किसानों के किसान सम्मान निधि की किस्तें रुकी है, जिसे लेकर क्षेत्रीय किसान परेशान है। किस विषय को लेकर संगठन द्वारा ज्ञापन दिया? भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने अपने क्षेत्र में अभी पीएम सम्मान निधि के जो 2000 रुपए डले, कई किसान ऐसे वंचित हैं जिन किसानों के 2000 रुपए नहीं आए, और विशेषकर अपने ग्राम पंचायत के कीटिया गांव के गांव कीटिया उसमें सिर्फ 4 किसानों को सम्मान निधि की किस्त डली है। अभी तक 11वीं 12वीं इनके 4 किस्तें अभी अटकी हुई है उसे लेकर, और अपने क्षेत्र में जो बीमा और मुआवजा से वंचित है, जो अभी तक वंचित चल रहे उसको लेकर, और अपने क्षेत्र में कोई एक जागरूक किसान है अपना जो जिसने सागवान के बगीचा लगा रहा था उससे लेकर आज भारतीय किसान संघ के बैनर के नीचे।
देश की संसद में घूमे भवानी मंडी शहर के स्टूडेंट्स। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल भवानी मंडी का 60 सदस्यीय दल शैक्षणिक भ्रमण हेतु देश की संसद में पहुंचा। इस अवसर पर दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा के नेतृत्व में दल को लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही देखने का अवसर मिला। लोकसभा की कार्यवाही का सत्र 30 मिनट तक बच्चों को दर्शक दीर्घा में बैठ देखने का अवसर मिला। संसद परिसर में दल को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, उत्तर प्रदेश से सांसद रीता बहुगुणा जोशी से मिलने का मौका मिला। शैक्षणिक भ्रमण दल दिल्ली में नेशनल रॉयल म्यूजियम, रकबगंज गुरुद्वारा, संसद भवन, इंडिया गेट, अमर जवान ज्योति व प्रधानमंत्री म्यूजियम का अवलोकन करेगा। शैक्षणिक भ्रमण दल को संस्था अध्यक्ष ओम प्रकाश चतुर्वेदी, राजेश गुप्ता, गुरुभेद सिंह झाबड़ा, संस्था समन्वयक हिमांशु चतुर्वेदी, अजित बिहानी ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। बैसोदा की पाटीदार धर्मशाला में शासकीय हाई स्कूल बैसोदा का साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विधायक देवीलाल धाकड़ के हाथों बच्चों को साइकिल वितरित की गई। इस दौरान मेघावी छात्रों को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। वहीं साथ ही 2 PM आवास का विधायक जी ने भूमि पूजन भी किया। बैसोदा से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है, कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर टूटी हो तो इस तरह से शनाक्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आई अंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आई अंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से ना कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रुकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।